भटूरे स्टाइल पूरी बन के रेडी है। आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मैं आपको फटाफट से इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी ये सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए, और इस पे खिंचाव भी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। मैं तो जा रही हूँ खाने, और आप अपने घर में इसको कब बना रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वेलकम टू मनमन की रसोई। आज हम मनमन की रसोई में बनाएंगे, चलिए डो नीट का लेते हैं। तो डो नीट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल व्हीट फ्लार, यानी कि गेहूं का आटा जो हम रेगुलर वे में यूज करते हैं, एक बाउल मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लार। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून शुगर, और चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से मैंने पौना कटोरी यहाँ पे दही लिया है। इस चीज का आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखिएगा, और डो को इसी से हम नीट करेंगे। जरूरत अनुसार हम यहाँ पे पानी लेंगे, और इसी से मैंने आधा कटोरी यहाँ पे पानी लिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को नीट कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच इतना पानी भी बचा हुआ है। अब इसी के ऊपर डालेंगे हम 2 स्पून इतना रिफाइंड ऑयल, बस इतना इनफ है। चलिए आइए डो को नीट कर लेते हैं। और ये देखिए डो हमारा अच्छे से नीट हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, स्ट्रेच आ रहा है खींचने पे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से मसल मसल के इसको नीट किया है। आधा घंटा इसको ढक के रख देंगे रेस्ट होने के लिए। डो को रेस्ट होते हुए आधा घंटा हो चुका है, कि कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। चलिए अब इसकी हम पूड़ियां बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे। आप अगर चाहें तो आटे से भी इसको बेल सकते हैं। एक साथ कुछ लोइयां बना लेती हूँ, जिससे हमें पूड़ी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आज की आप अगर पूड़ियाँ बनाएंगे, यकीन मानिए आपको इसमें भटूरे का टेस्ट आएगा। जी हाँ गाइस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लचीली, इतनी टेस्टी बनती है बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। आप इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। मैं तो इसको कई बार बना चुकी हूँ, तो सोचा आज आपसे भी रेसिपी ये शेयर कर दूँ। और बस फटाफट से हम इसको बेल लेंगे, मन चाहे आकार में आप इसको बेल सकते हैं। मैं इसको ऑयल से ही बेलती हूँ, अगर आप चाहें तो बर्तन से बेल सकते हैं। ऑयल से बेलने पे हमारा ऑयल जो है वो खराब नहीं होता है। बस थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऐसे, और बहुत ही आराम से ये बेल जाती है, ये देखिए। और आप इसको जब छुएंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत ही आपको फील होगा कि ये कितना हल्का है। और ऑयल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। आइए चेक कर लेते हैं, फ्लेम हाई रखेंगे हम, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए फटाफट से हम इसमें पूड़ियां निकाल लेते हैं। हल्का हल्का सा बस इस पर हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे, और आप देखेंगे कि पूड़ियां हमारी सारी फूल जाएंगी, ये देखिए। और बिल्कुल लाल लाल पूड़ियां हमारी बन के रेडी होंगी, ये देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। बस देखिए कितने अच्छे से फूल रही है। बस पलट देंगे इसको भी, ये पूड़ी हो चुकी है हमारी, इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें भटूरे का दिखाना था कि भटूरा कैसे एकदम लंबे लंबे भी आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं, आपको जैसे फील भी आए कि आज मैंने भटूरा बनाया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरी सिग्नेचर डिश है। मैंने इसको सर्व किया है छोलों के साथ। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।